आज गणित की शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया है, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किया है उनके लिए, और जो नहीं ज्वाइन किया उनके लिए नई सौगात है। एक ग्रुप में वीडियो लेक्चर हम गणित के आज से देना प्रारंभ करेंगे। और जैसा कि पूरे पूर्ण बहुमत के साथ यह पारित हुआ कि सबसे पहले हमें अंगणित पढ़ाना है और अंगणित में भी संख्या पद्धति पढ़ाना है, ऐसा काशीवासियों का मांग है। तो शुरू करते हैं वहीं से। तो नंबर सिस्टम एक पहला अध्याय है आपका, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति से जब नाम आ ही गया है तो स्पीड के साथ पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, उससे कोई मतलब नहीं। एक पहला प्रश्न आता है, संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? तो बताते रहिएगा, संख्या किसे कहते हैं? अब आते हैं संख्या में। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या आता है? कौन संख्या? अब प्रश्न उठता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? हाँ, जो गिनने के, और जो गिनने के काम नहीं आएगा वो जो गिनने के काम नहीं है वो। चलिए आते हैं आगे, बात करते हैं इसका जन्म कैसे हुआ, ये जान लें। ये पहले जान लेते हैं, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, काम खत्म। क्या कहते हैं? गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? हम जब मानव का जन्म हुआ होगा, पहले बानर की तरह थे, फिर क्या हुए? आदि मानव थे। जब आदि मानव थे कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था। क्या खाता था? पता नहीं क्या खाता था। पत्थरों के बीच रहता था, पत्थर के हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था। तो शुरुआत कैसे किया होगा? अगर कोई पत्थर उठाओ कैसे उठाओगा? पहले क्या पत्थर उठाया? एक, फिर दो, फिर पहली बार जब जन्म हुआ होगा तो पहले क्या होगा? फिर तो जब उसने उठा को पहली बार कौन सी संख्या आई? अपने से जन्म लिया, जिसे पूछा कितने आदमी थे, 16 वाला डायलॉग नहीं है, उस समय रहे होंगे, कितने रहे होंगे? जितने भी थे। तो क्या होगी? मतलब कितने स्वयं नंबर दिया, ये हमें बनाया नहीं, कहां से मिला? प्रकृति से मिला। कितने पत्थर हैं? एक, दो, तीन। तो इसलिए गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, अनंत तक। अच्छा, अनंत तक क्यों? यहां से दो प्रश्न बना। पहला प्रश्न, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे बड़ी। अब किसी भी संख्या की प्राकृतिक संख्या अगर एक जोड़ दिया जाए तो उससे क्या होती है? तो अनंत क्यों? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत क्यों? क्यों नहीं कर सकते? जब चंद्रमा पे पहुंच सकते हैं, मंगल पे पहुंच सकते हैं, तो गिनती गिनना कौन सी बड़ी बात है यार? बढ़ जाता है, फिर बढ़ाएंगे, लिखते शुरू करें, यहां से लिखेंगे जौनपुर तक, फिर बचे इलाहाबाद तक, मुंबई तक लिखते जाएंगे। क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम एक जोड़ देते हैं तो उसे अगली संख्या प्राप्त हो जाती है, कितनी भी बड़ी संख्या यहां से लेकर चंद्रमा तक लिख दिया जाए, लेकिन जैसे उसमें एक जोड़ देंगे उसे अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निश्चित ही नहीं की जा सकती। इस प्रकार सबसे जो बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। और सबसे छोटी, अब एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या, एक माने अनुवर्ती, अगर किसी भी संख्या में यदि एक जोड़ दिया जाए तो उसकी अगली संख्या अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। अगर किसी संख्या में एक घटा दिया जाए तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है, यह भी याद रखिएगा। अब एक छोटा सा प्रश्न है, 999 की अनुवर्ती की पूर्ववर्ती क्या होगी? ऑप्शन सर। 999 की अनुवर्ती की पूर्ववर्ती क्या होगी? ये पूछा प्रश्न है। स्वयं संख्या ही होगी। क्या होगी? स्वयं संख्या ही होगी। कैसे होगी? अब हो जाएगा 999 प्लस एक कट गया, ठीक, क्लियर हुआ? हमने यहां भी देख लिया। अब और आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या है?
पूर्ण संख्या। अब कोई घूमने गया, तीन आदिवासी थे, बहुत आदिवासी क्या ना क्या, हमारे पूर्वज थे, आपके पूर्वज थे, हमारे नहीं आपके पूर्वज थे, गए घूमने, सुबह से गए शिकार करने, शाम तक नहीं आए, कितने बचे? हाँ, क्या हुआ? दो गधा थे, गधा जानते, गधही, एक गधा और एक गधही, खा गए, कितने बचे? तो अब किसका जन्म हुआ? लेकिन फिर कहा जाता है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को, ये भी प्रकृति के बाद आ गई, तीन लोग गए नहीं आए, तो क्या हुआ? ठीक, तो जीरो सहित प्राकृतिक संख्या को कहा गया संख्या पूरी हो गई, क्या हो गया संख्या? आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जीरो सहित प्राकृतिक संख्या को, जीरो सहित गिनती की संख्या को, ठीक, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी। एक प्रश्न अपने आप बन गया, यदि किसी भी गिनती की संख्या में कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया उसे सदैव धनात्मक माना जाता है। क्या माना जाता है? क्या माना जाएगा? मतलब ये सभी प्लस है। अब एक आता है धन पूर्णांक, तो धनात्मक संख्या या गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? सभी प्राकृतिक संख्या एक धन पूर्णांक संख्या, जैसे और किसी भी नंबर का अगर यदि कोई चिन्ह नहीं दिया है सदैव धनात्मक माना, तो इस प्रकार सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। ठीक, कोई दिक्कत, समस्या कोई नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तो चमक रहा है बोर्ड, जो बेचारे पढ़ रहे होंगे दिखाई नहीं देगा। अब आते हैं ऋण पूर्णांक, तीन लोग शिकार करने गए, कितने लोग? शाम तक नहीं है, ठीक, शाम तक दो लोग खोजने चले गए, वह नहीं है, इतने बचे, तीन लोग गए थे, दो और चले गए, तो घर की उर्दी जंगरे में, सुने होंगे आप लोग, लोग कितनी और मुहावरे ऐसे प्रयोग करते रहेंगे, तो क्या हो गया? अब ऋणात्मक संख्याओं का जन्म, गयो का दो हाथ भगा हो लेंगे। अब यहां पे ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक कहते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इसे क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ गया? अब फिर एक प्रश्न बना, सबसे छोटा धन पूर्णांक और सबसे बड़ा, अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, बाकी लोग बोलेंगे तो मजा नहीं। आप बताइएगा, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, सही, आप बताइएगा सबसे छोटा ऋण पूर्णांक, ठीक, क्या इन्होंने सही बताया गलत बताया? दोनों ने, देखिएगा इसका ठीक उल्टा होता है, कैसे होता है? एक ग्रह और कहते हैं, अब हम लोग करेंगे पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं? जीरो सहित ऋण संख्या और धन संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ये हो गया पूर्णांक बना रहे हैं। जीरो के दाएं तरफ बढ़ेंगे तो नंबर क्या होगा? जीरो के बाईं तरफ बढ़ेंगे तो इधर ऋणात्मक और इधर, इसे दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? पूर्णांक। अब जब इसके बाईं तरफ बढ़ेंगे तो सबसे छोटी जो ऋण पूर्णांक होती है वो अनंत होती है, और सबसे बड़ी जो ऋण पूर्णांक होती है वो माइनस। अब सीधी सी बात, हम -5 नंबर पाए और आप -2 नंबर पाए तो ज्यादा कौन पाए? दुई वाला। तो जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा दिखता है वो सबसे, समझ में आया कॉन्सेप्ट? एकदम आसान सा, कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत है? कोई समस्या? चलो आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया ना, आप लोग को समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो थोड़ी सी लाइट चमक रही, कल से इस समस्या को दूर किया जाएगा। अब आता है सम संख्या और, तो बहुत ही आसान, कैसे गिनती आपको आती है? हमको नहीं आती, आपको आती है? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिनके इकाई का अंक ये आएगा वे सभी सम संख्याएं होंगे, जिनके इकाई का अंक ये आएगा वे सभी विषम संख्याएं होंगे। जिनके इकाई का अंक ये आएगा वे सम संख्याएं, और जिनके इकाई का अंक ये आएगा वे सभी विषम संख्याएं होंगी। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या? बाकी समझ गया ना। अब आता है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से कटे या स्वयं से, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? दुनिया का कोई भी संख्या, दुनिया का, वह एक तो अपने आप से और एक एक से सभी हमेशा कटेगा, उसके अलावा कटे या ना कटे लेकिन दो नंबर से जरूर, एक अपने आप से और एक एक से। तो वे संख्याएं जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी भी नंबर से ना कटे, उन्हें हम अभाज्य संख्या। बस अब इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसका एग्जांपल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी क्रम से लिखते जाइए। एक प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे यूनिक प्रश्न, यूपीटीटी का 3 साल से लगातार पूछ रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, दो एक मात्र ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है, बाकी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो सम संख्या और अभाज्य हो। ठीक, दूसरी बात, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी? तीन, तीन से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो विषम भी हो और अभाज्य भी। अगला प्रश्न, एक से लेके 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। एक से लेके 75 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? रट्टा मार के लिख के, एक से लेके 50 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? एक से लेके 25 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? शिक्षक भर्ती परीक्षा में आज प्रश्न था, एक से लेके 25 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो ये याद, एक से लेकर 25 तक में 9 और इसमें 25, नोट होएगा आगे लीजिएगा। क्लियर? आप बताइएगा जरा, क्या नाम है आपका? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अनंत, सबसे बड़ी, अभी बता रहे आगे भाज बता ले, दोनों साथ क्लियर बताते हैं। अब आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या अभाज्य नहीं है वैसे भी क्या है? जो संख्या अभाज्य नहीं है वैसे भी क्या है? भाज्य। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब देखते हैं कैसे। जैसे जो संख्याएं एक से कटे, स्वयं से कटे, तो किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप बताइएगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या, हाँ, ठीक। एक न तो भाज्य होती है ना भाज्य, याद रखिएगा, एक न तो भाज्य होती है ना कि किसी के फॉर्मूले परिभाषा में इसको पूरा करता है इसको पूरा करता है, इसलिए एक न तो भाज्य होता है ना।
सबसे छोटी, आप बताइएगा, आप ही बचे हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी? हाँ सही, आप बताइए, इन्होंने सही बताया गलत? खाली बैठे रहिए। हाँ भाज्य संख्या, आप बताइए भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? दो अभाज्य है, भाज्य सबसे छोटी चार है, क्योंकि एक से कटेगा, सेम से कटेगा, दो से भी कटेगा, इन दोनों के अलावा यदि किसी नंबर से कटता है तो भाज्य कहलाती है। दो केवल एक और दो से कटेगा, किसी संख्या से नहीं कटेगा, दो कहां से हुआ? अगला प्रश्न आप बताइएगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या? आपका भी गलत है, विषम भाज्य नौ, नौ सबसे छोटी विषम भाज्य है, इससे कोई छोटी संख्या नहीं जो विषम हो और भाज्य हो, नौ तो छोटी कोई संख्या ही नहीं है जो विषम भी हो, समझ में आया? हाँ एक भाई नौ है, एक से कटेगा, तीन से कटेगा और नौ स्वयं से, ठीक। अब एक प्रश्न और बनेगा, उसके बाद समाप्त किया जाए। एक और प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे, एक से लेकर सौ तक के बीच में कुल कितनी भाज्य संख्या होती है, आप बताइए? हाँ एक से लेकर सौ तक के बीच में कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती है? अरे सौ संख्या होगी, अभाज्य कितनी होती है? हम ऑप्शन दे रहे हैं, तिहत्तर, चौहत्तर, पचहत्तर, छिहत्तर, कोई एक विकल्प सही है, तिहत्तर, चौहत्तर, पचहत्तर, कोई एक विकल्प सही है, तिहत्तर, चौहत्तर, पचहत्तर, छिहत्तर, कोई सर एक को भी काउंट करेंगे? अब हमें क्या पता यार भाज्य संख्या कौन है? चौहत्तर, सौ संख्या होगी, समय पच्चीस निकल कितना बची? पचहत्तर, एक न तो भाज्य है ना भाज्य निकले, कितना? चौहत्तर। तो एक से लेकर सौ तक के बीच में कुल चौहत्तर भाज्य संख्या है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक प्रश्न और लिख लीजिएगा, उसके बाद इसका उत्तर आप हमें चाहे कमेंट करके बता दीजिएगा, चाहे कल बता दीजिएगा। एक से लेके सौ तक में तो कितनी बार सात आएगा? आराम से गिनिएगा घर जाके, और इसको परीक्षा में आएगा, ओएमआर सिटी अब काउंट कर लीजिएगा, ओएमआर सिटी अब नंबरिंग रहती है, बड़ा आसान होगा काउंट करना, ठीक। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप लोगों को दिक्कत होगी थोड़ी सी लाइट की क्षमा कर रही है, लेकिन अगली बार से कल से शायद संभवतः ऐसा ना हो, हम पूरा सुधार करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, और वाराणसी ब्रांच शुरू हो गई है, अगर आप भी इच्छुक हो, अगर बनारस सटे जिले से किसी हो या वाराणसी में कहीं हो, तो आपका मोस्ट वेलकम है इलेनी में दुर्गेश प्लेटफॉर्म पे। और ये कहाँ पे है? पांडेपुर, पांडेपुर में सुधाकर मेला पीजी कॉलेज के बगल वाली बगल गली में, इलाहाबाद बैंक के बगल में, ना कोई बैनर ना कोई पोस्टर, खोजते हुए आना होगा, ठीक। चलिए सबको शेयर कर दीजिएगा।